भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत रवाना हो चुकी है। क्रिकेट की दो दिग्गज टीमों के बीच होने वाली इस सीरीज को लेकर सभी बेहद उत्साहित हैं। सीरीज की शुरुआत 14 जनवरी से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी, जहां सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। भारत रवाना होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान एरन फिंच ने इस दौरे को लेकर कहा कि एशियाई टीमों को उनके घरों में हराना बहुत मुश्किल होता है। कप्तान फिंच ने कहा कि इस बात में आत्मविश्वास बढ़ता है कि वहां की परिस्थितियों के हिसाब से हमारा गेम प्लान अच्छा है, लेकिन जब आप एशियाई देशों में खेलते हैं तो आपको अपने गेम प्लान पर शक होने लगता है। जब एशियाई टीमें आप पर हावी होती है, भारत या पाकिस्तान या श्रीलंका, ये टीमें अपने घर में आपको खुद पर शक करवाती हैं। हमारा गेम प्लान अच्छा है और इतना अच्छा है कि हम भारत को भारत में हरा सकते हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े में 14 जनवरी को खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा वनडे 17 जनवरी को राजकोट और सीरीज का तीसरा मुकाबला 19 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में डार्सी शॉट की वापसी हुई है। इसके अलावा इस सीरीज के लिए टीम के मुख्य कोच जस्टिन लेंगर को आराम दिया गया है। उनके स्थान पर एंड्रयू मैकडोनाल्ड को टीम के कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में एरन फिंच को कप्तानी सौंपी गई है। इसके अलावा डेविड वॉर्नर, मार्नस लावुशेन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स केरी, एस्टन एगर, पीटर हैंडस्कॉम, पैट कमिंस, केन रिचर्डसन, डार्सी शॉट, मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड, एस्टन टर्नर, एडम जेम्पा को टीम में शामिल किया गया है। भारत के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जहां ग्लेन मैक्सवेल, नाथन लॉयन और मार्कस टॉइनिस जैसे बड़े खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी गई है, तो वहीं मार्नस लावुशेन को पहली बार वनडे टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा जोस हेजलवुड की भी टीम में वापसी हुई है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली इस सीरीज में क्या मेहमान टीम बाजी मार पाती है, या एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम विराट ब्रिगेड के आगे घुटने टेक देती है। स्पोर्ट्स डेस्क, एवी स्टार न्यूज, दिल्ली।